नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है धार के करौली से, जहां डकैतों ने गश्त करने वालों पर किया हमला। फायरिंग में 3 ग्रामीण घायल, एक घर को बनाया निशाना। लाखों के आभूषण और नकदी ले उड़े। पूरा मामला मनावर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करौली का, जहां बीती रात 20 से 25 डकैतों ने फायरिंग के साथ की डकैती। मनावर से 15 किलोमीटर दूर ग्राम करौली में बीती रात्रि 1 बजे 20 से 25 डकैतों ने रात्रि ग्रामीण गश्त कर रहे लोगों पर फायरिंग की एवं गोपन से पत्थर चला। डकैतों ने बंदूक से फायरिंग करते हुए राहुल महेश और भीमा पाटीदार के घर का दरवाजा तोड़कर डकैती की घटना को अंजाम दिया। किसान महेश ने बताया कि उनकी माता से सोने की हार, झुमकी, हाथ की चूड़ियां, करीब 8 तोला सोना एवं 4 लाख रुपए व पिता की गोदरेज अलमारी से नकदी 30,000, मोबाइल, हाथ घड़ी 12,000 की ले गए। बंदूक की फायरिंग से घायल हुए कुशाग्र पाटीदार, सेवा मालविया और जगदीश पाटीदार को बड़वानी के निजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना रात्रि डायल 100 के फोन के बाद पुलिस थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय पुलिस बल के साथ करौली पहुंचे। पुलिस डकैतों की तलाश कर रही है। मेरा नाम राहुल पाटीदार, ग्राम करौली, तहसील मनावर। मेरे गाँव में लगभग रात को 1 बजे यहाँ पर चोर आए, जो कि 25 चोरों के लगभग में थे, जिन्होंने आते से ही सबसे पहले मोहल्ले में बैठी हुई गश्त वालों को भगाया और फिर 10 चोर मेरे घर के अंदर घुसे और बाकी के बाहर रहे। उन्होंने घर के अंदर आते ही मेरी दादी से उनके जो पहनी हुई ज्वेलरी थी, जो लगभग 8 तोला थी, वो उन्होंने छीनी और नकदी रुपये 30-40 हज़ार रुपये के लगभग ले गए। साथ में मोबाइल और 10,000 रुपये की टाइटन वॉच भी ले गए और घर में सब बिखरा कर चले गए। और बाहर जो लोग थे, उन्होंने गांव वालों के सामने आमना सामना हुआ और फायरिंग भी हुई, जिसमें मेरे गांव के 3 लोग घायल हुए। करौली का निवासी। घटना यही हुई कि 20-25 चोरों ने यहां पे गांव करौली में रात के करीब 1 बजे के आसपास धावा बोला और सीधे सीधे, मतलब गश्ती जो ग्रामीण करते हैं सुरक्षा के हिसाब से, उन पे सीधा हमला बोल दिया। बंदूकें चलाई, पत्थरबाजी करी और महेश जी पाटीदार जो है उनके घर में घुस गए और चोरी की। हमारे यहाँ से करीब 3 लोग घायल हुए। वैसे तो 5-7 लोग घायल हुए, मगर बंदूक से जो घायल हुए हैं वो 3 लोग हैं और साईं हॉस्पिटल बड़वानी में उनको एडमिट कराया गया है। उन 3 घायलों में से 2 घायल ICU में हैं और पुलिस को फोन लगाया था, मगर पुलिस 1.5 घंटा लेट पहुंची यहाँ। मैं SDOP करण सिंह रावत, SDOP मनावर। कल रात में, बल्कि आज ही कहना चाहिए, 1 तारीख की रात में 1 से 1.5 बजे के बीच में अज्ञात बदमाश आए और पत्थरों से दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़कर महेश भीमा पाटीदार के घर में एंट्रेंस किया, डरा धमका के सोने की ज्वेलरी और नकदी रुपए लूट के ले गए। उसमें रात्रि में ग्राम गश्त में जो गांव ग्रामीण लगे हुए थे, गश्त कर रहे थे, गश्त के दौरान उन्होंने हल्ला सुनकर वहां पहुंचे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग करने से 4 लोग घायल हुए। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट।